हर हर महादेव सभी को स्वागत है आपके चैनल विक्की फिटनेस पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आ गया था जिम में। जिम आ कर करी पहला स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से, बॉडी को किया वार्म अप। भाई कल करी थी आइस थेरेपी, कल 15-15 मिनट के 2-3 सेशन किए थे। भाई बहुत ज़बरदस्त मसल रिलैक्स हुई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहा बॉडी में, और भाई कल नींद भी अच्छी आई। वीडियो क्लिप डाल दिया मैंने वीडियो में, वर्कआउट के बाद देख लेना। तो भाई अपने पहला स्ट्रेचिंग करके 2 सेट मारे डंड के, डंड करने के बाद किया वर्कआउट स्टार्ट। आज करेंगे शोल्डर का जबरदस्त वर्कआउट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करी शोल्डर प्रेस, इसकी किया भाई मैंने 4 सेट। करने का तरीका देख लो, रैप रेंज रखी 15 से 18। Gonna make you move, dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Feel the rhythm. फर्स्ट वर्कआउट किया था भाई मैंने फ्रंट डंबल प्रेस, अब किया मैंने रियर डेल्ट के लिए, ये किया मैंने बेंट ओवर डंबल फ्लाई। करने का तरीका देख लो, ये हमारे रियर डेल्ट वाली मसल को टारगेट करती है। इसके किए भाई मैंने 3 सेट, रैप रेंज वही 12 से 15। नेक्स्ट वाली क्लिप में भाई मैंने डाल दी कल की आइस थेरेपी वाली वीडियो। तो भाई आइस थेरेपी या इसको कोल्ड थेरेपी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है मसल रिलैक्स के लिए, स्टिफनेस के लिए। मसल में हार्डनेस हो जाते हैं, हल्का फुल्का पेन रहता है ना जो मसल्स में हो जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहती है। उसके बाद भाई नेक्स्ट वर्कआउट क्या है साइड डेल्ट के लिए, साइड लेटरल लेजिज, इसके किए भाई मैंने 3 सेट। तीसरा सेट किया भाई मैंने ड्रॉप सेट में। करने का तरीका देख लो, रैप रेंज वही 15 से 16। दो सेट कंप्लीट होने के बाद करी थोड़ी देर पोजिंग, ये देख लो पंप कितना जबरदस्त आ रहा। ये है भाई इसका फाइनल सेट, ये किया मैंने ड्रॉप सेट में 10, 7.5 और 5 kg से।
इसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट क्या है रियर डेल्ट के लिए, स्टैंडिंग बेंट ओवर बारबेल रेजेस। इसके भाई मैंने 3 सेट किए, करने का तरीका देख लो। Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a laugh, no need to move. It's a lazy weekend, just you. इसके बाद लास्ट एंड फाइनल वर्कआउट का मैंने फेस पुल, इसके भी मैंने 4 सेट किए, रैप रेंज 12 से 15। ये भी हमारे रियर डेल्टॉइड को ट्रेन करती है, करने का तरीका देख लो। On the table, lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. ये इसका भाई फाइनल सेट, उसके बाद आज का वर्कआउट होगा था कंप्लीट। वीडियो करता हूँ ये पे एंड। आई होप आपको वर्कआउट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वर्कआउट में। धन्यवाद। हर हर महादेव।